drop it. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर 6 में क्लास 12 के बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मादा युग्मक उद्भिद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने मादा युग्मक उद्भिद के विकास की प्रक्रिया अर्थात दीर्घ बीजाणु जनन मेगास्पोरोजोनसिस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि मादा युग्मक उद्भिद जो बीजांड के अंदर विकसित होता है वह कितने प्रकार का होता है और किस आधार पर उसे विभाजित किया जाता है। आप कह सकते हैं कि मादा युग्मक उद्भिद के विकास की प्रक्रिया में भाग लेने वाले मेगास्पोर न्यूक्लियस अर्थात मादा युग्मक उद्भिद या महायुग्मक बीजाणु के केंद्रक मेगास्पोर न्यूक्लियस महाबीजाणु के केंद्र के आधार पर इस मादा युग्मक उद्भिद को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें आपको पहले ही से पता है कि मेगास्पोर मदर सेल, जिसको आप महाबीजाणु मातृ कोशिका कहते थे, इसमें मियोसिस के फलस्वरूप चार मेगास्पोर सेल बनते हैं। ये चार मेगास्पोर सेल ही मादा युग्मक उद्भिद का विकास करते हैं। तो इनके विकास की प्रक्रिया के आधार पर ही मादा युग्मक उद्भिद को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपने सुना कि यह तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जिसे हम एक बीजाणु चार केंद्रकीय प्रकार का कहते हैं। एक बीजाणु क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। हम सबसे पहले पहला एक बीजाणु अर्थात मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में जानेंगे। एक बीजाणु या मोनोस्पोरिक किसे कहते हैं अर्थात मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, इसकी पहचान होती है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप चार मेगास्पोर बनते हैं, वहां बीजाणु बनते हैं। इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इन चारों में से हमने देखा था कि तीन मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, जिनमें से एक सक्रिय होता है, फंक्शनल होता है। यह फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर के फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मक उद्भिद या फिर भ्रूण कोष बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो कहते हैं कि जब इस चार मेगास्पोर में से तीन मेगास्पोर नष्ट हो जाए
केवल एक मेगा स्पोर सक्रिय हो जाए या सक्रिय रहे और या सक्रिय होकर के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है तो इसे हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। अर्थात चार मेगा स्पोर में से या मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप बने चार मेगा स्पोर में से केवल एक मेगा स्पोर सक्रिय होकर के भ्रूणकोश या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है तो इसे हम मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट दो प्रकार के होते हैं, या आप कह सकते हैं मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसे आप एक बीजाणु आठ केंद्र की अर्थात मोनोस्पोरिक एट न्यूक्लिएट कहते हैं, एक बीजाणु आठ केंद्र की मोनोस्पोरिक एट न्यूक्लिएट कहते हैं। इसमें इसमें इस भ्रूण कोश में या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में एट न्यूक्लियस अर्थात आठ केंद्रक होते हैं परंतु केवल सात सेल होती है। यहां पर हम देखते हैं भ्रूणकोश के विकास की प्रक्रिया को हमने देखा था, फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण को हमने देखा था कि उस बीजाणु में बना भ्रूणकोश या फीमेल गैमेटोफाइट में आठ केंद्रक होते हैं जिनमें से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, परंतु कोशिकाओं की संख्या सात होती है, एक दो तीन चार पांच छ और एक सात। इस प्रकार से बने भ्रूणकोश को या इस प्रकार के भ्रूणकोश को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक, आप कह सकते हैं इस प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश अधिकांशतः एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। इसके दूसरे बिंदु अर्थात मोनोस्पोरिक के दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा होता है एक बीजाणु चार केंद्र की अर्थात मोनोस्पोरिक फोर न्यूक्लिएट। यहां पर हम देखते हैं इसके भ्रूण कोश में केवल चार केंद्रक होते हैं, केवल चार केंद्रक होते हैं। इस प्रकार के मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट को ओनोथेरा टाइप एम्ब्रियो सैक, ओनोथेरा टाइप एम्ब्रियो सैक यानी कि ओनोथोरा प्रकार के भ्रूणकोश भी कहते हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश ओनोथेरा में देखा जाता है। इसके पश्चात हम दूसरे प्रकार के मादा युग्मक उद्भिद के बारे में जानेंगे जिसे हम द्विबीजाणु बाइस्पोरिक द्विबीजाणु बाइस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं। यहां पर कह रहे मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप बनने वाले चार मेगा स्पोर में से जब दो मेगा स्पोर मादा युग्मकोद्भिद के विकास में भाग लेते हैं तो इसे हम द्विबीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इस प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट में आठ केंद्रक अर्थात एक न्यूक्लियस होता है, आठ केंद्र की होते हैं, आठ न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है और इस प्रकार का फीमेल गैमेटोफाइट हमें
प्याज में देखने को मिल जाता है, अर्थात इस प्रकार का फीमेल गेमिटोफाइट प्याज में होता है। इसके बाद हम तीसरे फीमेल गेमिटोफाइट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है चतुष बीजाणु। चतुष बीजाणु टेट्रास्पोरिक में फीमेल गेमिटोफाइट, अर्थात इस प्रकार के फीमेल गेमिटोफाइट जिसके विकास में चारों मेगास्पोर भाग लेते हैं, आप कह सकते हैं ऐसे फीमेल गेमिटोफाइट या भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक जिसके विकास में चारों मेगास्पोर भाग लेते हैं उनको हम चतुष बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या फिर टेट्रास्पोरिक फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं। इसके पश्चात अगली हेडिंग है परागण पॉलिनेशन। परागण क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम परागण की परिभाषा देखते हैं। इस परिभाषा को हम इस चित्र की सहायता से समझेंगे। इस पौधे में हमें एक पुष्प यहाँ और एक पुष्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुष्प में नर जननांग के रूप में परागकोश तथा मादा जननांग के रूप में जायांग होता है, या आप कह सकते हैं नर जननांग के रूप में पुंकेसर और मादा जननांग के रूप में जायांग होता है। इस जायांग में गाइनोशियम में ये ऊपरी भाग वर्तिकाग्र जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं, और इस पराग ये पुंकेसर में ये फूला हुआ भाग पराग कोष कहलाता है, एंथर कहलाता है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि इसी पराग कोष के अंदर पराग धानियों में अर्थात सूक्ष्म बीजाणु धानियों माइक्रोस्पोरिंजियम के अंदर पराग कण बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, या उन्हें आप माइक्रोस्पोर्स सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। इनके बनने के पश्चात पराग कोष फट जाता है, फटने की प्रक्रिया भी हमने देखा था। फटने के पश्चात सारे पराग कण इस पराग कोष से मुक्त हो जाते हैं और मादा जननांग में जो वर्तिकाग्र होता है इस वर्तिकाग्र पर जब पराग कण पहुंचते हैं तो इनके पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम परागण पॉलिनेशन कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं किसी पुष्प के पराग कोष से पराग कण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। अर्थात आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो ये परागण की प्रक्रिया होती है। इस परागण की प्रक्रिया के बारे में अगर हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परागण क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम परागण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। परागण के प्रकार, परागण क्रिया कितने प्रकार की होती है? परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला दूसरा परागण।
स्वपरागण व परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम स्वपरागण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपरागण, स्वपरागण किसे कहते हैं? कहते जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक पौधे के पुष्प के परागकण पराग कोष से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या फिर एक ही पौधे के किसी पुष्प से निकले परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, तो हम इसे स्वपरागण कहते हैं। इस स्वपरागण की प्रक्रिया में दो बिंदु स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। पहले बिंदु में हम जानते हैं या देखते हैं कि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। दूसरे बिंदु की बात करें तो किसी एक पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचता है। इन दोनों बिंदुओं से आप ये समझ सकते हैं कि स्वपरागण में भी दो अवस्थाएं होती हैं, जिसमें दूसरी अवस्था जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसे हम जीटोनोगैमी कहते हैं। अर्थात जीटोनोगैमी क्या है, आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि यह स्वपरागण की वह अवस्था है जिसमें किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस बिंदु के पश्चात हम इसी चैप्टर के अगले हेडिंग की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पौधों में जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, इस स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। स्वपरागण के लिए अनुकूलन, स्वपरागण के लिए पौधों में या उनके पुष्पों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं या क्या क्या कंडीशन आवश्यक होते हैं या क्या क्या उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है या अनुकूलन का जो पहला बिंदु है, जिसे आप कहते हैं द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइटिज्म, क्या होता है? कहते हैं कि स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है, अर्थात एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग
दोनों होने चाहिए, तभी स्वपरागण हो सकता है। दूसरे बिंदु की बात करें और क्या विशेषता होनी चाहिए, सहपक्वता या समकाल पक्वता, जिसे आप होमोगैमी भी कहते हैं, इस प्रकार की विशेषता आपको गुणवास, जिसको आप मिराबिलिस या फिर पीली कटेली जिसे आप एर्जिमोन भी कहते हैं, ये इनका वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, कहते हैं इनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इस सहपक्वता या समकाल पक्वता का अर्थ होता है कि इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों समान समय पर, या आप कह सकते हैं एक साथ परिपक्व होते हैं, जिसके कारण इनमें स्वपरागण होता है या हो सकता है। तीसरी विशेषता है निमिलता, जिसको आप क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्लिस्टोगैमी की प्रक्रिया क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जिसे आप हिंदी में निमिलित पुष्प कहते हैं, उनमें देखी जाती है। और निमिलित पुष्प कहते किसे हैं, कहते हैं ऐसे पुष्प जो नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते, अर्थात पुष्प खिलते ही नहीं है, ऐसे पुष्पों को आप निमिलित पुष्प क्रिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। इस प्रकार का पुष्प किस में पाया जाता है, खट्टी बूटी में पाया जाता है। इस प्रकार का पुष्प कलकौवा में पाया जाता है। इसी प्रकार के पुष्प मूंगफली में भी पाए जाते हैं। ये पुष्प नहीं खिलते, जब पुष्प नहीं खिलेंगे तो बंद पुष्प में ही पराग कोष से निकले पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार के स्वपरागण को आप निमिलता क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ये तो बात हो गई समकाल पक्वता वाले पुष्पों में स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन होता है। आगे हम देखेंगे पृथक पक्व पुष्प में स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन होते हैं, अर्थात ऐसे पुष्प जो जिनमें दोनों जननांग एक साथ परिपक्व नहीं होते, उनमें स्वपरागण कैसे होता है, इसको भी देखते हैं। पृथक पक्व पुष्प में स्वपरागण के लिए अनुकूलन, इसमें किस प्रकार का अनुकूलन होता है, दो तरह के अनुकूलन हम देख रहे हैं। कुछ अनुकूलन सदाबहार गंधराज जैसे पौधों में पाए जाते हैं, और एक अलग प्रकार का अनुकूलन जो कि सूरजमुखी अर्थात हेलियंथस में देखने को मिलता है। पहला है संकीर्ण दलपुंज नलिका, सदाबहार कैथारेंथस गंधराज गार्डियाना के पौधों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसको हम देखते हैं कि क्यों इसमें स्वपरागण ही होता है। तो इस प्रकार के पुष्प में जो दलपुंज होते हैं, ये दलपुंज आपस में मिलकर एक नैरो ट्यूब सकरी नलिका बनाते हैं, जिसे हम नैरो करोला ट्यूब संकीर्ण दलपुंज नलिका कहते हैं। इसी के अंदर अर्थात भीतर की ओर पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों स्थित होते हैं। तो स्पष्ट है कि इसमें
पराग कोष से निकले पराग कण बाहर नहीं जा सकते, अतः वो पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर स्वपरागण करते हैं। और दूसरे बिंदु की बात करें सूरजमुखी में, सूरजमुखी में होता क्या है, इसमें जो पराग कोष होते हैं यानी कि जितने भी पुंकेसर होते हैं उन सब के पराग कोष, उन सब के पराग कोष परस्पर जुड़कर एक नली बनाते हैं। उसी नली के मध्य में स्थित होता है अर्थात ये पराग कोष है, ये आपस में मिलकर एक नली बनाते हैं, इसी के मध्य में स्थित होती है वर्तिका, वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा स्थित होती है। सूरजमुखी में स्टिग्मा दो पालियों में बटी होती है, तो प्रारंभिक अवस्था में तो ये इसी पराग कोष की नाली में ही रहते हैं जहां पर पहले पराग कोष या पुंकेसर परिपक्व होकर स्फुटन करते हैं इनके पराग कोष, और सारे पराग कण उसी पराग कोष के बीच की नाली में बिखर जाते हैं और उनकी सतह से चिपके होते हैं। इसके पश्चात इसमें जायांग का परिपक्वन होता है, जायांग के परिपक्वन के समय इसकी वर्तिकाग्र बाहर की ओर वृद्धि करके आ जाती है, परंतु जब यह बाहर की ओर वृद्धि करके निकलती है तो इस पर उस पराग कोष की नालियों की भीतरी सतह पर लगे हुए पराग कण इस पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार से इस सूरजमुखी के पौधे में पराग कोष से पराग कण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और इनमें स्वपरागण होता है। इसमें किसी अन्य पुष्प या पौधे के पराग कण नहीं पहुंच पाते। तो इस प्रकार से सूरजमुखी में स्वपरागण हो जाता है। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले लेक्चर 7 में हम इन पौधों में इस स्वपरागण के लाभ और हानि की चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल।